बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सप्लाई स्विचिंग प्रोवाइड अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये सर्किट ड्राइंग को, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि देख लें कि 12 वोल्ट से अगर कम हो तो ये आगे 5 वोल्ट सप्लाई देना बंद कर देगा। ये अंडर वोल्ट को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज कम होते ही जो है ना ये सर्किट को ऑफ कर देगा। दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक BC 327 और एक BC 337 दो ट्रांजिस्टर है, ये दो पुश ऑन स्विच है, ठीक है ना दोस्तों। ये एक LED है, ये 705 रेगुलेटर IC है। बस ये सिंपल सा कंपोनेंट है, इसके ज़रिए से आपने बनाना, मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास पावर सप्लाई एक है, ये मैं पावर सप्लाई को ये देखें ऑन करता हूँ। अभी देखें दोस्तों मैं इसे 10 वोल्ट दूंगा तो ये सप्लाई तो ये ऑन नहीं होगा। अब इस सर्किट को भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ये दो पुश स्विच है, ये दो पुश स्विच है और ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है दोस्तों। ये दो ट्रांजिस्टर है, ये जो रेजिस्टेंस है अब इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखें ये पुश ऑन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब देखिएगा ये देखें ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। अब जब मैं इसको 12 वोल्ट करूँगा दोस्तों तो फिर देखिएगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें मैंने 12 वोल्ट किया, ये देखें ये ऑन हो गया, ठीक है। 12 वोल्ट से कम में ये ऑन नहीं होगा। अब चाहे यहाँ से इसको ऑफ कर दें, यहाँ से चाहे ऑन कर दें। अब ये वोल्टेज में देखें दोस्तों मैं कम करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखें ये 10 से कम पे इसने सर्किट को ऑफ कर दिया, यानी कि अंडर वोल्टेज होते ही ये ऑटोमेटिकली सर्किट को कट ऑफ कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देख लें दोबारा मैं जब इसको 12 वोल्ट करूँगा, ये 12 वोल्ट पे देख लें दोस्तों, ये 12 वोल्ट पे देखिएगा दोस्तों ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें सर्किट को इसने ऑन कर दिया, 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई को इसने बाहर कर दिया, ठीक है। ये नहायत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, आप इसे किसी भी सर्किट में जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के जैसे कोई नुकसान हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।